जय माता दी। नवरात्र के छठे दिन हम कात्यायनी माँ की पूजा करते हैं। आइए हम आपको कात्यायनी माँ से जुड़े हुए कुछ तथ्यों से अवगत कराते हैं। माँ दुर्गा की छठी विभूति हैं माँ कात्यायनी। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करता है, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी को ही माँ उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा करने का उल्लेख वैवर्त पुराण में भी मिलता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पे माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। यहीं पे आद्या कात्यायनी मंदिर शक्ति पीठ भी है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे माता के केश गिरे थे। वृंदावन में स्थित श्री कात्यायनी पीठ ज्ञात 51 शक्ति पीठों में से अत्यंत प्राचीन सिद्ध पीठ है। ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी थी। यह नव दुर्गा में से एक देवी कात्यायनी है। कात्यायन ऋषि को विश्वामित्रीय वंशीय कहा गया है। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन को यागल्व का पुत्र बताया गया है। उन्हें गृह सूत्र आदि की रचना की थी। कहते हैं कि सिद्ध संत श्री श्यामाचरण लहड़ी जी महाराज के शिष्य योगी 1008 श्रीयुत स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी महाराज ने अपनी कठोर साधना द्वारा भगवती के प्रत्यक्ष आदेश अनुसार इस लुप्त स्थान पर स्थित इस श्री कात्यायनी शक्ति पीठ, जो राधा बाग वृंदावन नामक पावनतम तीर्थ व पवित्र स्थान पर स्थित है, का पूरा निर्माण कराया था। माँ कात्यायनी का मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरु ते नमः। कहा जाता है कि राधा और समस्त गोपियों ने माँ कात्यायनी की ही आराधना की थी कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से ही राधा कृष्ण और गोपियों का महाराज संभव हुआ था। कहते हैं कि जिन युवतियों को अपना मन भावन पति चाहिए, उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ कात्यायनी हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी मनोकामना के साथ जय माँ काल, जय माँ काली।